माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्यकम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर सौंपे। महोदय, निश्चित रूप से इसी सदन से महोदय लगभग 2 दर्जन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल यहाँ पर महोदय पारित हुआ, और महोदय इस संदर्भ में ये बताना चाहेंगे महोदय कि इसी सदन से सरकार नियमन हुआ था और एक समिति बनी थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितने भी झारखंड राज्य में चल रही है उनके जांच के लिए एक विशेष जांच समिति विधानसभा का बनी थी महोदय। और महोदय ये जांच समिति बनने के बाद अभी तक महोदय इस समिति का प्रतिवेदन समर्पित नहीं हुआ। इसके साथ ही महोदय 2-3 बात है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एक नियमावली बना रही है कि किन किन शर्तों के साथ हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अनुमति हम लोग प्रदान करें। और महोदय जब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नियमावली बना रही है और ये अंतिम स्तर पर, जब ये अंतिम स्तर पर नियमावली है तो ऐसी स्थिति में महोदय कौन सा हड़बड़ी है कि ये आर्यकम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय का बिल लाने का, सी वी रमन के बिल लाने का कोई औचित्य नहीं है महोदय। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो UGC का गाइडलाइन है, UGC के गाइडलाइन के मुताबिक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को के बिल को पारित करना महोदय। अभी जो आर्यकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का विधेयक लाया गया महोदय, निश्चित रूप से ये आर्यकम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 ये जो भी UGC का गाइडलाइन है उसके अनुकूल नहीं है महोदय। इसलिए मेरा ये सुझाव था कि निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, ये मेरा सुझाव था महोदय। प्रभारी मंत्री महोदय, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से सभी जगह से वेटिंग करवाने के बाद, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये विधेयक लाया गया है, इसलिए इसे प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। प्रश्न यह है कि आर्यकम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है कि ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि आर्यकम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूँ, खंड 02 से खंड 09 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 09 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 02 से खंड 09 तक इस विधेयक का अंग बना। खंड 10 में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे? नहीं नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 से खंड 46 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 11 से खंड 46 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 11 से खंड 46 तक इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 01 से विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड शून्य एक इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वहाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 स्वीकृत हो, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 अध्यक्ष महोदय एक त्रुटि स्वीकृत